मुरादाबाद यूपी के जिला मऊ से। इस वक्त हम गाय घाट पे स्थित है, जहाँ पे आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उनका आज यहाँ पे अस्थि कलश यात्रा निकली हुई थी, जहाँ पे आज ये गाय घाट का नाम चेंज करके अटल घाट रख दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये घाट सामने दिख रहा है। आगे के लिए हम अपडेट देते रहेंगे। मैं क्या उद्देश्य और कैसे विचार आया मंदिर? जी हाँ, श्री अमरनाथ सेवा समिति शांति कुंज गाय घाट पर यहाँ पर हम लोग मीटिंग करके हमारे वरिष्ठ सदस्य अजय कुमार सिंह ने एक प्रस्ताव दिया कि क्यों न हम शांति कुंज गाय घाट का नाम बदलकर अटल घाट रख दिया जाए, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री और भारत रत्न से नवाजे गए अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति हम सभी के प्रति, हिंदू हो या मुस्लिम हो, और काफी श्रद्धा है, और उसका नाम शासन के सूची में अटल घाट रखा जाए, यानी कि शांति कुंज गाय घाट की जगह पर अटल घाट इसका नाम रखा जाए। यह अमरनाथ सेवा समिति का प्रस्ताव है। अमरनाथ सेवा समिति ने प्रस्ताव अपना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को भी बताया है और उनको आज लिखित रूप से दिया भी जाएगा, ताकि उसका नाम जो है अटल घाट रखा जा सके। जी, ये बहुत ही हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री कभी यहाँ ओरियाना के मैदान में भी एक बार कार्यक्रम करने आए थे। यह उनके प्रति हम लोगों की क्या पूरे जनपदवासियों की, अमरनाथ सेवा समिति ही नहीं बल्कि पूरे जनपदवासियों के लिए ये एक सौभाग्य का विषय है कि हम उनके प्रति यहाँ घाट बनाकर उनको जीवन पर्यंत याद करते रहेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। के नाम पे बताया जाएगा, तो कैसे मन विचार आया और किन उद्देश्यों को लेकर आपने ये बीड़ा उठाया? अटल जी भारत के सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाने जाते हैं। अटल जी की मृत्यु के बाद उपरांत पूरा विश्व उनके मृत्यु पर रो रहा था, और ऐसे में हमारे मन में आया कि एक ऐसी श्रद्धांजलि के स्वरूप कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे भी शहर का नाम उनके नाम से जुड़ जाए। और उसी दौरान दिमाग में ये बात आई कि क्योंकि ये तय हुआ कि यहाँ भी अस्थि कलश यात्रा यहाँ भी आएगी, गाय घाट पर भी आएगी, उसी समय दिमाग में मन में ये बात आई कि इस घाट का नाम पतन परिवर्तित कर अगर अटल घाट कर दिया जाए तो ये हम लोगों की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे ही बैनर पोस्टर तो लग गया है अटल घाट मऊ, बाकी आधिकारिक औपचारिकताएं क्या बची रह गई हैं इसको, मतलब इसका नाम दर्ज होने में? देखिए, हम लोग अपने तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को सूचित कर चुके हैं और लिखित प्रस्ताव भी देंगे, और पार्टी से और शासन को भी लिखित रूप से देंगे कि किसी भी तरीके से जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी तरीके होते हैं, उस कागजी कार्रवाई भी कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से भी, और इस घाट का नाम अटल घाट पर परिवर्तित कराएंगे। थैंक यू।